अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। सो चूंकि बेसिकली ये जो भी डिजीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी पेशेंट की कंप्लेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, ये सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो एज अ सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस आप इनको करें तो भी अच्छी बात है, और आपकी जो डिवर्सन है उसमें उन्होंने अलग अलग इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है तो वो भी फाइन है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि सिरोसिस के अंदर क्या होता है। सिरोसिस के अंदर बेसिकली इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस हो जाती है यहाँ पे अंदर, और कुछ रीजेनरेट नोड्यूल बने हुए होते हैं, तो जाहिर है लिवर का सारा काम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें जो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का इटसेल्फ तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम नहीं करते, इसकी वजह से फिर आगे फर्दर, यानी सबसे पहले सिरोसिस होती है, सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है इसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है, यानी हेमाटोमासिस। तो वो हमने बहुत इमरजेंसी में मैनेज करना होता है, सो वो थोड़ा सा यहाँ पे लिंक करेंगे। सो बेसिकली बेटे आपने याद रखना है कि होता ये है कि आपका जो GIT है वहाँ से सारा ब्लड जो है थ्रू स्प्लीनिक वेन होती है और मेसेंटेरिक वेन्स होती हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में जब जुड़ती हैं तो यहाँ पे बनती है पोर्टल वेन। तो तकरीबन सारा ब्लड जो है वो पोर्टल वेन के थ्रू आ रहा होता है हमारे लिवर के पास, ठीक है। और पोर्टल वेन के बाद यहाँ से आगे होती है बेटे हेपेटिक वेन, और ये हेपेटिक वेन ब्लड जो है वो लेके जाती है इन्फीरियर वेना कैवा में और वहाँ से हार्ट में। तो यूँ ये सप्लाई मेंटेन होती है। अब मसला ये आ रहा है, थोड़ा सा आप इसको ब्रॉडली समझेंगे कि मोस्टली चूँकि हम लिवर सिरोसिस की बात कर रहे हैं तो एडल्ट्स के अंदर जब सिरोसिस डेवलप हो जाएगी तो जाहिर है ये फ्लो आगे नहीं जाएगा साइनोसाइड्स में और वहाँ से फिर आगे हेपेटिक वेन में। तो ये ब्लड सारे का सारा जो है वो बैक फ्लो होता है और यहाँ पोर्टल वेन के लेवल के ऊपर प्रेशर रेज होता है, और जब प्रेशर रेज होता है आपको याद रखना है कि पोर्टल वेन बनी कहाँ से है, ये स्प्लीनिक और मेसेंटेरिक वेन की यूनियन से बनती है। सो बेसिकली जब आपकी पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, और अब आप बताएं कि प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है, या तो उसके अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा है या उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है ड्यू टू ब्लॉकेज, सिरोसिस इटसेल्फ एक ब्लॉकेज ही के तौर पे काम करी होती है ना, तो इस टाइम हम कहते हैं कि जी पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पोर्टल हाइपरटेंशन की रीजन सिर्फ सिरोसिस है, सिरोसिस भी हो सकती है, पोस्ट हिपैटिक बर्ड चेरी सिंड्रोम जहाँ पर यहाँ पर थ्रोम्बोसिस होती है, प्री हिपैटिक भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट आपने यही याद रखना है कि जब भी ये सप्लाई खराब होगी, आइदर एडल्ट में ज़्यादातर सिरोसिस रीजन होती है, बच्चों में ज़्यादातर यहाँ प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो बैक फ्लो होता है, ठीक है। जब बैक फ्लो होता है यहाँ पे ब्लड बढ़ता है या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है, और उसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हम इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों होते हैं, क्योंकि ये बेटे पोर्टल वेन है ना। अब इस पोर्टल वेन में थोड़ी सी पैथोलॉजी की बात पहले कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए, फिर सारा बुक से जो पॉइंट टू पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे। ये पोर्टल वेन है, अब समझ लो कि आगे फॉर एग्जांपल ब्लड नहीं जा रहा था, ब्लड सारा यहाँ पे रिटेन हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ हमारे पास कोलेट्रल्स होती हैं जो नॉर्मली तो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होगा तो फोर्सफुली पावरफुली वो कोलेट्रल्स एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्लड सारा इन कोलेट्रल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और इसको हम कहते हैं पोर्टोसिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है, यानी पोर्टल वेन से कोलेट्रल्स के थ्रू ब्लड डायरेक्टली सिस्टेमिक सिस्टम की तरफ जाना शुरू हो गया है। मोस्टली अगर हम देखेंगे तो ये कोलेट्रल्स जो हैं ये ब्लड भेज देती हैं ईसोफेगस की तरफ, ठीक है, ईसोफेगस की तरफ, उसके बाद स्टमक की तरफ, उसके अलावा रेक्टम की तरफ, ओवरीज की तरफ, हर तरफ, ठीक है। अब स्पेशली जब ये ब्लड जाता है ईसोफेगस की तरफ, तो ईसोफेगस की तरफ ये जो हमारे पास एक पोर्टल ट्रिब्यूटरी होती है और एक सिस्टेमिक ट्रिब्यूटरी होती है, पोर्टल ट्रिब्यूटरी के अंदर जो ब्रांच आती है उसको मेरा ख्याल है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की ब्रांच होती है, और जो आपकी सिस्टेमिक ट्रिब्यूटरी है वो भी कोई ईसोफेजियल ब्रांच होती है एजाइगस वेन्स की, ठीक है। सो ये जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये रप्चर होती हैं, जब ये रप्चर होती हैं तो पेशेंट को क्या होता है, फिर खून की उल्टी होती है जिसको हम हेमाटोमेसिस कहते हैं। इसके बारे में हम बहुत कंसर्न हैं ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है इसको छोड़ दे, मैं ये सारी चीज़ दोबारा समझाऊंगी। लेकिन बेसिकली बेटे सिरोसिस की वजह से हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से बैक फ्लो, बैक फ्लो की वजह से कोलेट्रल्स की एक्टिवेशन, कोलेट्रल्स की एक्टिवेशन की वजह से फ्लो जाता है, ईसोफेजियल वेरिसिस क्रिएट होती है, और वो वेरिसिस बड़ा प्रोफ्यूजली ब्लीड करती है क्योंकि सारा ब्लड यहाँ से अब इधर जाएगा, बॉडी में हाइपरटेंशन होगी, इवन डेथ भी हो सकती है अगर इसको इमरजेंसी में मैनेज ना किया गया, ठीक है। सो पहले अभी हम यहाँ पोर्टल हाइपरटेंशन समझेंगे और फिर इसकी भी और सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन इसकी एंड देन इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं
यानी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. सॉरी ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए. सो अब हम अपना टॉपिक बेसिकली बेटे स्टार्ट करते हैं. मैं ये चाहती हूँ आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने लगे हैं, ठीक है. अब ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से सिर्फ यही मसला नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं. सबसे ज़्यादा जो कार्डिनल सिम्टम है ना वो ये है कि ये बैक फ्लो स्प्लीनिक वेन के थ्रू स्प्लीन की तरफ जाएगा सारे का सारा, और स्प्लीनोमगैली होगी. तो स्प्लीनोमगैली इज़ अ कार्डिनल साइन फॉर पोर्टल हाइपरटेंशन. लेकिन मैं इमरजेंसी सिचुएशन बता रही थी विच इज़ ईसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है. ओके, सो नॉर्मली अब हम शुरू से पढ़ते हैं. जैसे कि हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है तो वो कहता है कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि पोर्टल वेन बनती कहाँ से है. पोर्टल वेन दो वेन्स की यूनियन से बनती है. नंबर वन बेटे स्प्लीनिक वेन होती है हमारे पास, और नंबर टू हमारे पास होती है मेसेंटेरिक वेन. ये दोनों जुड़ती हैं तो पोर्टल वेन बनती है, और पोर्टल वेन आगे ड्रेन हो रही होती है हमारे लिवर के अंदर, ठीक है. नॉर्मली अगर हम पोर्टल वेन के प्रेशर की बात करें, ठीक है, पोर्टल वेन के प्रेशर की बात करें तो उसका अपना प्रेशर जो है वो 5 to 8 millimeter ऑफ मर्करी जो है वो नॉर्मली होता है पोर्टल वीनस प्रेशर, ठीक है. उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन, हम इसको कब लेबल करते हैं. इसको लेबल करने के लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है. उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमने हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट लेना होता है. क्या लेना होता है? हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट. ये हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट इक्वल होता है किसके? वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर, ठीक है. वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर माइनस फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर. नाउ इन दोनों टर्म से क्या मुराद है? ये आपकी हेपेटिक वेन आ रही है, मैंने आपको कहा, और यहाँ सॉरी पोर्टल वेन आ रही है, और ये लिवर है सारे का सारा, और ये आगे जा रही है हेपेटिक वेन. सो दिस इज हेपेटिक वेन एंड दिस इज द पोर्टल वेन, ठीक है. सो पोर्टल वेन जब यहाँ लिवर को इंटर कर रही है तो इस लेवल के ऊपर जो प्रेशर हम लेते हैं दैट इज़ वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर, और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको कहते हैं फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर. इन दोनों प्रेशर्स को मेयर किया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर 10 है और फ्री हेपेटिक वीनस प्रेशर 5 है, तो इनका जो रिजल्ट नॉर्मली आना चाहिए वो 5 to 6 millimeter ऑफ मर्करी ही आना चाहिए. लेकिन अगर ये 10 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि जी पोर्टल हाइपरटेंशन है. और याद रखना है आपकी डेविडसन में वो लिखता है कि अगर ये 12 से ज़्यादा आ जाए तो फिर हमें पता होता है कि अब ईसोफेजियल वेरिसेस डेवलप होने वाली हैं, ठीक है. सो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. अब बात याद किया कि ये प्रेशर आप कैसे मेयर करते हो, तो ये इस तरह से मेयर होता है कि हम लोग यहाँ से इंसर्ट करते हैं कैथेटर, और वो कैथेटर जो है इंसर्ट किया जाता है एक बैलून कैथेटर थ्रू ट्रांस जुगलर रूट और इन्फीरियर वेना कैवा, एंड इन्फीरियर वेना कैवा से फिर वो आता है हेपेटिक वेन में और यहाँ आके प्रेशर मेयर करता है, और यहाँ पे सो ये प्रेशर ग्रेडियंट बेसिकली हमें हेल्प करता है इन द डिटेक्शन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है. ये इसका एक क्राइटेरिया है, होप कि कन्फ्यूजन नहीं है. उसके बाद वो कहता है कि अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉजेज या टाइप्स की हम बात करें तो क्या कॉजेज हो सकते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों डेवलप हो रही है, तो इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी या प्यारी सी डायग्राम बनी हुई है आपकी ये डेविडसन के अंदर. सो बेटे ये मैंने आपको बताया कि ब्लड आ रहा होता है गट से एंड स्प्लीन से, और ये दोनों पोर्टल वेन बनती हैं, ठीक है. पोर्टल वेन ड्रेन होती है लिवर में, और लिवर से आगे ये हेपेटिक वेन, और ये हेपेटिक वेन इन्फीरियर वेना कैवा एंड देन द हार्ट, ठीक है. अब मसला कहाँ हो सकता है? मसला नंबर वन वो कहता है कि यहाँ पे मसला हो सकता है जिसको हम कहते हैं प्री हेपेटिक प्री साइनोसाइडल, यानी लिवर से भी पहले और साइनोसाइड से भी पहले ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ठीक है. यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गई ड्यू टू सेप्सिस या एब्डोमिनल ट्रोमा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे मसला क्रिएट हुआ, ठीक है. सो जब यहाँ पे मसला सारा क्रिएट हो गया तो सारा फ्लो अब यहीं पे रिटेन होगा, फ्लो रिटेन होगा, वो कोलेट्रल्स की तरफ जाएगा वगैरह 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 सारी पैथोजेनेसिस. तो ये हमारे पास होता है प्री हेपेटिक प्री साइनोसाइडल कॉज. नंबर टू हमारे पास इंट्रा हेपेटिक मसला होगा लेकिन साइनोसाइड से पहले ही होगा, ठीक है. सो इंट्रा हेपेटिक प्री साइनोसाइडल रीजन हो सकती है शिस्टोस्टोमियासिस, कंजनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस है ड्रग्स की वजह से, विनाइल क्लोराइड की वजह से, या सार्किडोसिस की वजह से, ठीक है. फिर हम कहते हैं कि साइनोसाइडल यहाँ पे ब्लॉकेज है, साइनोसाइडल मसला चल रहा है. अगर साइनोसाइडल प्रॉब्लम होगा तो उसकी रीज़न सिरोसिस मोस्ट कॉमन एडर्स के अंदर, पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़, नोड्यूलर रीजनरेशन, हाइपरप्लेजिया या मेटास्टेटिक मैलिग्नेंट डिजीज़ हो सकता है. अब साइनोसाइड के बाद पोस्ट साइनोसाइडल प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होकर सारा फ्लो पीछे की तरफ आ जाएगा. सो पोस्ट साइनोसाइडल जो है वो क्या हो सकता है? इंट्रा हेपेटिक वीनोक्लूसिव डिजीज़, या फिर हम कहते हैं पोस्ट हेपेटिक मसला हो सकता है, यानी लिवर से निकलने के बाद ये यहाँ पे ब्लॉक हो गई, और ये बर्ड चेरी सिंड्रोम जिसमें थ्रोम्बोसिस होती है हेपेटिक वेन की, तो ये
भी हो सकता है। बात समझ आ रही है ना, चाहे यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ या यहाँ, ये सारी यही करेंगी कि फ्लो को बैकवर्ड पुश करेंगी और पोर्टल वेन में प्रेशर जो है वो रेस्ड होगा और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो, क्या मुझे इसको मजीद यहाँ पे एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। सो टाइप या कॉजेज में आपने याद रखना है कि या तो प्री हिपैटिक कॉजेज हो सकते हैं, या फिर हम कहते हैं हिपैटिक कॉजेज हो सकते हैं, या फिर हम कहते हैं बेटे पोस्ट हिपैटिक कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, अब हिपैटिक के अंदर आपने याद रखना है कि हमने इसको फिर तीन टाइप्स में मजीद डिवाइड किया हुआ है। हमने कहा है हिपैटिक तो है बट प्री साइनोसाइडल, यानी अभी साइनोसाइडल मिक्सिंग वाला लेवल नहीं आया, या साइनोसाइडल है, या हम कहते हैं है तो हिपैटिक की लेकिन पोस्ट साइनोसाइडल है, और फिर पोस्ट हिपैटिक। ठीक है, फिर डिफरेंट एटियोलॉजीज हैं, वो भी आप लोगों ने बुक से साथ देख ली हैं। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि अब इसकी बात करते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की, कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या मसला होगा। मसला ये होगा कि सारा फ्लो जो है पोर्टल वेन में आ जाएगा, और पोर्टल वेन की एक ट्रिब्यूटरी है स्प्लीनिक वेन, तो स्प्लीनिक वेन की तरफ जाएगा तो स्प्लीन की इनलार्जमेंट शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हमारे पास क्या आती है, स्प्लीनोमगैली। और स्प्लीनोमगैली को बेटे वो क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। सो ये कार्डिनल साइन आपने जहन में रखना है। लेकिन स्प्लीनोमगैली रेयरली ही 5 सेंटीमीटर से बड़ा स्प्लीन होगा, और एक इंपॉर्टेंट बात वो ये भी बताता है कि अपॉन एग्जामिनेशन अगर स्प्लीनोमगैली नहीं है तो मोस्टली पोर्टल हाइपरटेंशन भी नहीं है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट साइन ही स्प्लीनोमगैली है। ठीक है, बच्चों के अंदर और एडोलेसेंस के अंदर स्प्लीनोमगैली काफी ज्यादा मार्क्ड होती है, लेकिन स्टिल आपने याद रखना है 5 सेंटीमीटर से बड़ा स्प्लीन जो है वो नहीं होता। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको ये बता रही थी कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पोर्टल वेन, अब सारा ब्लड यहाँ पे आ रहा है तो ये बहुत सारी क्या होंगी, कोलेट्रल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, और ब्लड जो है इस पोर्टल वेन से जो कि जाना था हार्ट के पास, ये अब एंटर करना शुरू कर देगा आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। ठीक है, अब जब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन को एंटर करेगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो जीआईटी सिस्टम की तरफ जाता है। जीआईटी में ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटे ईसोफेगस की तरफ जाता है, और हमें बहुत खतरा है वहाँ पे ईसोफेजियल वेरिसेस एंड ईसोफेजियल ब्लीडिंग का। ठीक है, हेमाटोमासिस का। नंबर टू आपने याद रखना है कि स्टमक की तरफ जाता है। नंबर थ्री रेक्टम की तरफ जाता है, रेक्टम में भी वेन्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, रेक्टल वेरिसस बोलते हैं उनको। डेविडसन में बात मेंशन करता है कि आपने उसको हेमरॉइड्स नहीं समझना। ठीक है, हेमरॉइड्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि यही ब्लड जो है वो एब्डोमेन की तरफ जाएगा, तो अम्बिलिकस के इर्द गिर्द सारी जो वेन्स होती हैं वो इस तरह से प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और इस प्रोमिनेंट पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कैपट मेड्यूसाई। सो ये हम पोर्टल हाइपरटेंशन की मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं कि पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, ईसोफेजियल वेरिसस हो सकती है, रेक्टल वेरिसस हो सकती है, कैपट मेड्यूसाई हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंटली क्या हो सकती है कि नंबर थ्री एसआईटीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एसआईटीज जो है वो ज्यादातर कहता है कि पोस्ट हेपेटिक या साइनोसाइडल हाइपरटेंशन में डेवलप होती है। साइनोसाइडल में साथ सिरोसिस होगी, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, वो भी एसआईटीज को कंट्रीब्यूट करता है, और उसके अलावा बैक फ्लो जब हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो भी एसआईटीज को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट साइन बेटे मैंने आपको पहले भी बताया है, उसको हम कहते हैं फीटर हेपेटिकस। फीटर हेपेटिकस क्यों होता है, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड और मर्कैप्टेंस वगैरह सारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करना शुरू करते हैं, और उसके अलावा लंग्स की तरफ जाते हैं, और फिर सांस में गंदी सी स्मेल आती है, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेथ ऑफ द डेड। ठीक है, एंड उसके बाद वो कह रहा है कि एक इंपॉर्टेंट साइन आपने ये भी याद रखना है कि जब ब्लड ना अम्बिलिकस की तरफ जा रहा है पेरी अम्बिलिकली, तो एक वेसल के अंदर इतना ज़्यादा ब्लड चला गया या वो इतनी ज़्यादा डायलेट हो गई कि अपॉन ऑस्कल्टेशन वहाँ से ना एक आवाज़, उसके ऊपर जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो एक आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, सो लार्ज अम्बिलिकल कोलेट्रल वेसल्स की तरफ फ्लो इतना ज़्यादा हो जाए कि उसमें अपॉन ऑस्कल्टेशन एक हम सुनाई देने लगे, तो इसको हम लोग ब्यूमगर्टन सिंड्रोम या क्रूव्यूलियर साइन भी कहते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए जो एक नाम दिया हुआ है दैट इज़ नोन एज ब्यूमगर्टन साइन। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, ब्यूमगर्टन सिंड्रोम, मेरा ख्याल है, हाँ ब्यूमगर्टन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्यूमगर्टन सिंड्रोम। ठीक है, जब एक हम सुनाई देता है क्योंकि लार्ज अम्बिलिकल कोलेट्रल्स की तरफ फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और तो बस यही इस तरह की बेटे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। सो आई होप कि इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला या इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। दिस इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों डेवलप हुई, कोई प्री हेपेटिक कॉजेज थे, हेपेटिक हो सकते हैं, पोस्ट हेपेटिक हो सकते हैं, होगा क्या, फ्लो बैकवर्ड होगा स्पेशली कोलेट्रल्स की तरफ जाएगा, तो बहुत सारे मसले बन सकते हैं। अब अगर आपने पोर्टल हाइपरटेंशन को बहुत जल्दी डायग्नोज या फिर इसको इसकी जो भी आगे
कॉम्प्लिकेशन अराइज होनी है उनको ना रोका तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। नंबर वन कॉम्प्लिकेशन यही बेटे कि इसकी वजह से साइटिस डेवलप होता है। साइटिस को किस तरह से ट्रीट करते हैं अभी बात करते हैं। मोस्ट कॉमन जो सीरियस मैनिफेस्टेशन है वो हमारे पास ईसोफेजियल वायरसेस जो हैं वो इसकी वजह से डेवलप हो जाती हैं। उसके अलावा नंबर थर्ड वो कहता है कि हाइपर स्प्लिनिज्म होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड जो है वो स्प्लीन की तरफ ज़्यादा जाता है, स्प्लीनोमगैली है, और जब स्प्लीनोमगैली है तो स्प्लीन के अंदर आरबीसीज का ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, जिसको हम हाइपर स्प्लिनिज्म कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से सीबीसी भी इन पेशेंट्स की डिस्टॉर्ट हो जाती है। उसके बाद बेटे ये कंजेस्टिव गैस्ट्रोपैथी भी करते हैं। व्हाट इज़ कंजेस्टिव गैस्ट्रोपैथी, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। साथ में रीनल फेलियर हो सकता है पेशेंट का, और रीनल फेलियर क्यों, एसेटिक हो रहा है, थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसके बाद रीनल फ्लो कम होगा जिसकी वजह से किडनी इंजरी एंड इवन के रीनल फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। एंड लास्टली जो है ये हिपैटिक इनकेफेलोपैथी, और हिपैटिक इनकेफेलोपैथी क्यों होती है, क्योंकि ऑलरेडी गैस्ट्रिक गैस्ट्रोपैथी स्टार्ट हुई है, इसोफेजियल ब्लीडिंग है, तो जितना भी नाइट्रोजन गट से भी बन रहा है वो सारे का सारा जा रहा होगा आपके ब्रेन में, क्योंकि वो लिवर तक पहुँचा नहीं, वहाँ मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, तो वो ब्रेन में जाएगा और क्या कर देगा, इनकेफेलोपैथी कर देगा। अब बात ये आती है कि दिस इज पोर्टल हाइपरटेंशन ना। अब आपकी डेविडसन के अंदर उसने इसी के ट्रीटमेंट को यहीं पर डिस्कस किया हुआ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि अब हमने क्या करना है, अब हमने बारी बारी इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। नहीं, हम लोग एसआईटीज को, उसके ट्रीटमेंट को अलग बात करेंगे, ईसोफेजियल वायरसेस को अलग डिस्कस करेंगे, रीनल फेलियर इन कैफलोपैथी की अलग बात चलेगी। सो ये कॉन्सेप्ट है बेटे पोर्टल हाइपरटेंशन का। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी एसआईटीज। ठीक है, एसआईटीज हम पढ़ रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस, या फिर आप इसको कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, सिरोसिस हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, साइटिस हो रही है। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन में बेसिक मसला ये है कि इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी सीवियर हैं। ठीक है, तो हमने उन कॉम्प्लिकेशंस को एज अ ट्रीटमेंट प्रिवेंट करना होता है। उन कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिवेंशन के लिए वो ईसोफेजियल वायरसेस है, और ईसोफेजियल वायरसेस अगर डेवलप नहीं हुई भी तो प्रोफिलेक्टिकली हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देते हैं ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। लेकिन अगर पेशेंट में ईसोफेजियल वायरसेस डेवलप हो गई है और वो ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, तो फिर इसकी इमरजेंसी मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी इसके अपने टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। और एक बात यह है कि अगर वो कहे कि जी पोर्टल हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम्स हैं, तो आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन डेविडसन में लिखता है कि प्रेशर मेजरमेंट जो है वो की जाती है। जैसे हमने कहा इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि हम इस तरह से प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, लेकिन वो हर पेशेंट के करते नहीं है और ना ही ज़रूरत होती है। ठीक है, नंबर टू हम सीबीसी करते हैं। सीबीसी के ऊपर क्योंकि इनमें हाइपरस्प्लिनिज्म है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो अनीमिया मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ल्यूकोपेनिया मिलता है। नंबर थ्री हम एंडोस्कोपी तब करते हैं ताकि हम ये देखें कि इसकी वजह से कहीं ईसोफेजियल वायरसेस, ईसोफेगस के लेवल पे वेन्स के गुच्छे तो हमें नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अगर नज़र आ रहे होंगे तो हम उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग साथ में क्या भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि सिरोसिस है, प्री हिपैटिक है, पोस्ट हिपैटिक रीज़न है, या फिर हम लोग साथ में सीटी और एमआरआई करते हैं मज़ीद एक्सटेंट देखने के लिए। लेकिन ये चीज़ तो आपसे पूछी जाती ना, इसका कोई कंसर्न है, हाँ अब एसआईटीज है या ईसोफेजियल वायरसेस है, उनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं और उनका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है।